दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो यू नो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर्स मैनी मल्टी टास्किंग फीचर। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है फॉर स्विच बिटवीन ऐप्स। इस बात को माने कि जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम एक टाइम में मल्टी विंडोज़ ओपन करते हैं, लेकिन समटाइम हमें एक दूसरी विंडोज़ में स्विच करना पड़ता है जिससे बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहो कि ये किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आप कोई भी ऐसे तीन या चार प्रोग्राम आप ओपन कर लें जो आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है नोटपैड। तो आपने सिंपल करना ये है कि ये अब हमारे पास एक मेन्यू ओपन हुआ हुआ है, ये विंडो एक ओपन है। तो यहाँ इसका जो टाइटल बार है इस पर हम अपना माउस लेके जाएंगे और यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं तो इसके कॉर्नर पे देखें कि जब हमारा एरो बिल्कुल हमारी बाउंड्री के साथ अटैच होगा तो आप इसके बैकग्राउंड पे देखेंगे कि एक डिम सी स्क्रीन का आइकन शो हो जाएगा। ये देखें कि ये इसके बैकग्राउंड में एक स्क्रीन शो हो गई है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन शो हो गई है। तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ लेके जाएं तो ये देखें कि पीछे जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो डिम है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन का एक हल्का सा आइकन हमें यहाँ शो हो रहा है। तो हम इस विंडो को माउस के बटन जो हमने प्रेस किया हुआ है तो हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं और ये देखें कि ये हमारी एक विंडो जो है वो स्प्लिट स्क्रीन यानी कि ए स्क्रीन के एक खाने में हमारी ये सेव हो गई है। अब हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम ओपन करने के लिए यही सेम मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। आपकी जो विंडो है इसका जो टास्क बार है इसको हम यहाँ क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन के ड्रैग करते हुए हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो ये देखें कि हमारी विंडो जो है वो यहाँ शो पीछे जो है ये ट्रांसपेरेंट स्क्रीन शो होती है। तो यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं तो ये यहाँ हमारी स्क्रीन ओपन होगी। जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो और प्रोग्राम जो हमने ओपन किए हुए हैं तो वो भी हम यहाँ इसमें मैच कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये वाली मेरी स्क्रीन ये देखें कि 1 2 3। तो अगर हमारी विंडो ओपन है, अगर उसमें डाटा हमारा ज़्यादा है तो हमें यहाँ से साइड पर जो है वो स्क्रॉल बार भी शो हो जाएगा जिससे हम अपने प्रोग्राम को अप डाउन कर सकते हैं या राइट लेफ़्ट इसको कर सकते हैं। तो ये हमने तीन प्रोग्राम अपने ओपन कर लिए हैं। अब देखें बगैर हमें स्विच किए हम यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तीन प्रोग्राम हमने ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हम अपना कोई और प्रोग्राम ऐड करवाना चाहें इसमें तो हम इसको ओपन करेंगे। मैंने यहाँ से वर्ड ओपन किया है और यहाँ से हम इसको इस प्रोग्राम में यहाँ इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हमारा तीन सिप्लेट यानी कि तीन सिप्लेट जो है वो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये और यहाँ से हम इनकी जैसे ही हम यानी कि अपने हम एक टाइम में तकरीबन चार विंडो जो है वो हम ओपन कर सकते हैं जिससे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। अभी देखें कि विदाउट स्विच या विदाउट मूव किए हम किसी भी प्रोग्राम्स में हम काम कर सकते हैं। या हमने हमने कोई ये समटाइम ये करना जो होता है कि कोई इमेज देखकर हमने नीचे उसके टाइपिंग भी करनी होती है तो ये वाला मेथड आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा।